लेकर भी हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश में उस कानून को लागू करवाने का काम किया। यही नहीं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, माताओं बहनों के बताना चाहूंगा, हमारे फरीदाबाद का तो सौभाग्य है कि हमारे ग्रीवेंस के चेयरमैन भी माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। और जब से सरकार बनी है, जब से वे चेयरमैन बने हैं, तब से लेकर आज तक जहां जहां जो भी उनके ग्रीवेंस की मीटिंग हुई, उन्होंने फरीदाबाद की समस्याओं को मौके पर तुरंत निपटाने का काम किया। देवीलाल चौधरी, देवीलाल भाई दुष्यंत चौटाला साहब के आदेश से दो लाइन स्वागत गीत की उस व्यक्ति को के जिस व्यक्ति नौजवान दोस्तों, आज के इस कार्यकर्ता मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हमारे समक्ष दो बातों को लेकर के था। एक तो पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव, सक्रिय कार्यकर्ता अभियान चल रहा जो लगभग अंतिम चरण में है। 25 सितंबर को ये पूर्ण होने जा रहा है। पार्टी ने ये निर्णय किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 500-500 ऐसे सक्रिय साथियों को सक्रिय कार्यकर्ता बनाया जाए। चुनाव आयोग की हिदायत भी है कि हर 2 साल के बाद मेंबरशिप अभियान हो। मैं उन साथियों से गुजारिश और विनती करूंगा कि वो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो सक्रिय सदस्य बनाए जाए, पार्टी के प्रति निष्ठावान है, जिनकी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आस्था है और जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे, उन्हें इसमें अवसर देने का काम करें। किसान आंदोलन सड़क पर बैठ करके कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं। रोजाना जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कोई समस्या का हल नहीं है। मैंने तो बार बार कहा है, बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान हो सकता है। और हमने तो सदैव किसान के हित के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का काम किया है। सबसे पहले कहा था कि अगर किसान की एमएसपी पे कोई आंच आए तो हम सबसे पहले इस सरकार को तिलांजलि देने वाले लोग हैं। आज मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 11 फसलें एमएसपी प्राइस पर बिक रही है। आपके साथ लगता है उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की है, उत्तराखंड की है, पंजाब की है। पंजाब में 2 फसलें एमएसपी में बिकती है और दूसरे प्रदेशों में शून्य। हरियाणा प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बाजरे जैसी फसल को जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, हमने गेहूँ से ऊंचे दाम पे बिकवाने का काम किया। और आज एमएसपी प्राइस में नहीं, उससे भी ज़्यादा दाम पे सरसों, ग्वार और कपास जैसी फसलें बिक रही हैं। धरातल में जा रही है, देख रहे हैं रोजाना कांग्रेस का जनाधार चढ़ता जा रहा है। लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, निष्ठा वाहन लोग के पास लूट नहीं रहे। आज भी अमरिंदर सिंह जी का बयान है कि राहुल और प्रियंका जो है वो नादान है, तो इस तरह की स्थिति में क्या समझ पाएगा? मिल करके लड़ेगी, मिल करके लड़ रहे हैं। बचाने के लिए नहीं, मैं उसे लीगल रूप से बताती हूँ। इस्तीफा मांगने का काम तो प्रजातंत्र में जनता जनार्दन का अधिकार है, वो मांगे। परंतु उसको बुनियादी स्तर पर भी जो देखें कि सरकार से मांगे या हरियाणा प्रदेश में उसकी कोई हिस्सेदारी है, तो हमारे 10 चुनिंदा सांसदों का है, 5 राज्यसभा के सांसदों का है, उनसे मांगे। दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से कोई समस्या का हल होता है क्या? और हल होता हो तो मैंने तो बार बार ऑफर किया है कि आप ले जाओ इस्तीफा, आप समाधान करवा लो। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।